हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कृष्णा स्टूडियो चैनल पर। और आज की वीडियो में आप लोगों को फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि बताएंगे आप लोगों को जेनरेटिव फील्ड टूल्स के बारे में कुछ, और इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो AI टूल जो भी एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन में देखिए ऊपर लिखा हुआ एडोब फोटोशॉप बीटा, तो इसमें AI टूल एक ऐड हुआ है जो जिसको हम जेनरेटिव फील्ड टूल्स बोलते हैं। उसी से आप लोग कैसे किसी भी फोटो में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज अपनी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। तो देख सकते हैं हमारे पास एम फोटोशॉप एडोब का जो बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है उसको हम ओपन करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आई बटन में ऊपर लगा देंगे कैसे डाउनलोड करना है, उसको कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इमेज ओपन करके रखे हुए हैं, हमारे पास ये सारी इमेज है, इसी पे हम आपको कार करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये इमेज है एक, इस पर हमको करना क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि ये जो लड़की है इसको पूरी तरह से हम यहाँ से रिमूव कर दें। तो इसको कैसे आप लोग रिमूव करेंगे, ऐसे तो पहले फोटोशॉप जो था उसमें हम लोग क्लोन टूल से हटाते थे या कुछ और करके हटाते थे, बहुत समय लगता था। बट अब जो एक नया टूल्स आ गया है जेनरेटिव फील्ड टूल्स, इसके माध्यम से आप बस एक क्लिक में इसको रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये फोटो है, तो इसको ये देखिए लासो टूल है, यहाँ पे लासो टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद इस टूल को हम चारों तरफ से इसको इस तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे, ऐसे सिलेक्शन हम बना लेंगे चारों तरफ से, सिलेक्शन हमारा बन गया। अब सिलेक्शन होने के बाद करना क्या, जैसे देखिए ये नीचे अब आ गया ये टूल्स। अगर ये टूल्स आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा तो आपको विंडोज में जाना होगा यहाँ पे, और देखिए कॉन्टेक्स्चुअल टास्क बार है, इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से इसको ऑन करना होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए जेनरेटिव फील्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, बट आपको यहाँ पर कुछ टाइप नहीं करना है अभी, बस यहाँ पर जेनरेटिव टूल्स दबाने के बाद ये जो है देखिए जेनरेट है, इसको आपको क्लिक कर देना है बस। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेस होगा, थोड़ा समय लेगा और आपके PC जो है इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होनी चाहिए तभी ये टूल्स वर्क करेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग इस टूल को यूज करें तो आपका PC जो है इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद आप लोग देखिएगा कितना बढ़िया ढंग से ये लड़की जो है रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो थोड़ा समय ले रहा है, ये इंटरनेट के ऊपर निर्भर करता है, इंटरनेट आपका जितना ही फास्ट रहेगा उतना तेज ये टूल्स काम करेगा। तो देखिए यहाँ से लड़की बिल्कुल गायब हो गई, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ से रिमूव हुआ है। आप लोग मैन्युअली भी हटाएंगे तो भी इस तरीके से नहीं हटेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ तीन यहाँ पे आया है हमारे पास, जनरेट करने के बाद तीन फोटो ये AI टूल जो है हमको बना के दिया है, देख यहाँ पर तीन है। तो आप तीनों देख सकते हैं, आपको तीनों में से जो यूज करना होगा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तीनों आपको नहीं पसंद है तो आपको फिर से आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो फिर से तीन ये इमेज यहाँ पे बना के देगा। तो आप लोग जनरेट करके देख सकते हैं या मैं दिखा देता हूँ आपको करके। देखिए जनरेट पे हम फिर से दोबारा क्लिक किए हैं तो ये तीन फिर से इमेज आपको बना के देगा, मतलब ये जब जब आपको जनरेट करेंगे तो तीन तीन इमेज बना के आपको देगा। तो उसमें आपको जो सेलेक्ट करके सेव करना हो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टूल को आपको यूज करना है, और ये टूल बहुत ही कमाल का टूल्स है। देखिए हमारे पास तीन और इमेज आ गई, यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट को। तो हमने एक आपको उदाहरण दे दिया, अब दूसरी हम आपको बताते हैं। देखिए अब ये एक है हमारे पास टेंट है, हम चाहते हैं कि ये टेंट यहाँ से गायब हो जाए, तो इसको भी हम ऐसे ही रिमूव करेंगे। और यहाँ देखिए ये लैसो टूल फिर से लेंगे हम, और इसके चारों तरफ से थोड़ा सा दूरी बना के ही सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे तो हमारा देखिए सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जेनरेटिव फील्ड पे क्लिक करेंगे हम, अब यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ कुछ नहीं टाइप करना है और यहाँ पे जेनरेट टाइप कर देना है। जेनरेट टाइप करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लगा, प्रोसेस हो रहा है अभी। प्रोसेस होने के बाद देखिएगा यहाँ से ये जो टेंट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। थोड़ा समय लगा,
लेकिन बहुत ही देखिए कितना कमाल का रिजल्ट यहाँ पे आया है। तो देखिए यहाँ भी तीन यहाँ पे रिजल्ट है, देख सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से आप टेंट हटा सकते हैं। अब चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक डॉगी यहाँ पे ला लें, तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेनरेटिव फील्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉग, डॉग टाइप करने के बाद यहाँ से हम जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डॉग आ जाएगा। आपको जो भी चीज़ हटाना है उसको सेलेक्ट करके जेनरेटिव करके जेनरेट कर दीजिए, हट जाएगा। और जो चीज़ यहाँ पे लाना हो जेनरेटिव फील्ड में टाइप करना होगा आपको, जो चीज़ भी यहाँ पे ऐड करना हो। तो इस तरीके से इसको आप लोग यूज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे डॉग कितना बढ़िया ढंग से आएगा। बहुत ही ये कमाल का टूल्स है फोटोशॉप में, इसको कि AI टूल्स भी बोलते हैं। तो AI देख लीजिए, यहाँ पे डॉग आ गया, तीन डॉग यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं ये कितना बढ़िया रिजल्ट है डॉग का। तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर डॉग आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी इमेज है हमारे पास, एक इमेज है ये बीच की इमेज है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लड़के को यहाँ पे खड़ा कर दें, तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये मार्कर टूल लेंगे हम, और जितना बड़ा आपको बनाना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इस साइड से। इतना सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जेनरेटिव फिल करना है, और जेनरेटिव फिल करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है आपको बॉय, बॉय टाइप करेंगे यहाँ पे जेनरेट कर देंगे। तो जेनरेट करने के बाद ये प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगेगा। तो प्रोसेस करने के बाद देखिएगा यहाँ पे बॉय बिल्कुल बढ़िया ढंग से आ जाएंगे, तीन ये बॉय बना कर देगा जेनरेटिव फील टूल्स। इसमें से आपको जो भी यूज करना होगा कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पे लड़का आ गया, ये देखिए ब्लैक क्यों आया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सामने से कैमरे से फोटो शूट करेंगे तो ये पीछे सन है, तो अपोजिट टाइम में है, तो इसलिए ये फोटो डार्क है। उसी ढंग से ये उसको मैच करके ये बनाया है। अगर ये सन यहाँ पे नहीं होता, इस साइड में होता, तो ये फोटो लाइट होती, तो उससे मैच करके ये बॉय को बनाया है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे आया है। इसी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, आप जो भी यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे चाहें तो बोट भी ला सकते हैं। चलिए हम बोट ला कर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जेनरेटिव फिल्स करेंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सिप, सिप टाइप करेंगे और यहाँ पे जेनरेट कर देंगे। जेनरेट करने के बाद देखिएगा सिप यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके जो भी दिमाग में है या जिस तरीके की इमेज है वो चीज़ें लगानी है, तो आपको बस इस जेनरेटिव फील्ड टूल्स में आपको टाइप्स करना है और वो चीज़ आपके सामने आके लग जाएगी। देखिए ये सिप हमारी आ गई, कितना बढ़िया ढंग से सिप आया हुआ है, एकदम बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे सिप लगाया गया है या अपने आप आई है या आपने क्रिएट किया है खुद से AI के माध्यम से। तो देखिए तीन टूल यहाँ पे सिप्स आई हुई है, तीनों में से आपको जो भी यूज करना है यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का देखिए जब हो जाने के बाद ये तीनों लेयर को आपको मर्ज जो करना होगा, और यहाँ से लेयर में, और देखिए फ्लैटन इमेज है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर मर्ज हो जाएगी। अब इसके बाद फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पे सेव है, या सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ भी सेव करना हो, मान लीजिए हमको पिक्चर में सेव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे JPG है ये फॉर्मेट, और JPG में यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये फोटो हमारी PC में सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप सेव भी कर सकते हैं इसको। अब एक हमारे पास ये देखिए इमेज है, ये रोड है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कार यहाँ पे आ जाए, तो फिर से यही मार्कर टूल लेंगे हम। मार्कर टूल लेने के बाद रोड पे सिलेक्शन बनाएंगे इस तरीके से। सिलेक्शन बनाने के बाद जेनरेटिव फील है, यहाँ पे टाइप करेंगे कार, कार टाइप करेंगे, फिर से यहाँ पे जेनरेट कर देंगे। तो जेनरेट करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा, फिर से वही काम, और थोड़ा समय लेने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपकी कार आके लग जाएगी रोड पे। तो आपको जो चीज़ भी लगाना है यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये कार आके लग गई, देख सकते हैं आप लोग, एक नंबर की कार यहाँ पे आके लग गई बिल्कुल परफेक्ट ढंग से। तो आपको जो भी चीज़ें लगाना हो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट आ जाए, रोड लाइट, तो आप
यहाँ पे रोड लाइट भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लगा के देखते हैं, ट्राई करते हैं रोड लाइट, रोड रोड लाइट टाइप करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे, जनरेट कर देंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे लाइट, रोड लाइट हमने टाइप किया है, तो अब देखते हैं यहाँ पे रोड लाइट कैसी आती है। तो थोड़ा समय लेगा, समय लेने के बाद रिजल्ट क्या आता है ट्राई करके देखते हैं हम भी। ये देखिए यहाँ पे लाइट आके लग गई, सिग्नल लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्नल आ गए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको भी लगाकर। तो देखिए हमारे पास एक इमेज ये है, फैमिली इमेज है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट आके ऐड हो जाए। तो यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे लेसर टूल से फिर, और यहाँ पे इस तरह का सिलेक्शन हो गया हमारा। अब जनरेटिव फील है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ब्रेक फास्ट। ब्रेकफास्ट टाइप करने के बाद यहाँ से जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद देखिए प्रोसेस में है, फिर से क्या रिजल्ट आता है, सामने आएगा रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद। वेट करते हैं, आप लोग भी इस बीटा वर्जन को डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट सामने है आपके, ब्रेकफास्ट आके ऐड हो गया, तीन रिजल्ट आया यहाँ पे, आपको जो भी इसमें से यूज करना हो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज करें एडोब फोटोशॉप बीटा वर्जन को, और इसमें आप जेनेटिव फील्ड टूल्स को यूज करें बढ़िया से और अपने काम को फास्ट करें। तो हमारी वीडियो आज की इतना ही थी। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।